बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, 1.5 कप मैंने चीनी ली है, 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिया है और 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। तो आइए पहले बूंदी के लिए बैटर बना लेते हैं। बेसन में मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके पानी मिला रही हूँ, हमें एक साथ पानी नहीं डालना है वरना बेसन में लम्स हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके पानी मिला रही हूँ। देखिए अब इसमें पूरी तरह से लम्स ख़त्म हो चुके हैं। देखिए हमारी बैटर इस तरह की होनी चाहिए। मैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। आइए हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में चीनी लिया है, चीनी से आधा हम पानी लेंगे और चाशनी बनाने के लिए अब मैं रख रही हूँ। चीनी पिघल रही है, हमें चाशनी 1 तार की बनानी है। देखिए इसमें 1 तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसमें इलायची के पाउडर डालेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। आइए अब हम बूंदी बनाते हैं। ये हमारी पकौड़ी तलने में काम आने वाली कड़ची है, हम इसी से बूंदी बनाएंगे। देखिए थोड़ी सी बैटर डालकर हम इस तरह से टैप करेंगे। हमें बूंदी को ज़्यादा तलना नहीं है, ज़्यादा सख्त बूंदी हमें नहीं बनाना है, हल्का सा ही हमें फ्राई करना है। हमारी बूंदी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह दूसरी बैच को भी हम बना लेंगे। फिर से बूंदी डालेंगे। देखिए इस तरह से हल्का टैप करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से बूंदी गिर रही है। इस तरह सारे बूंदी को हम निकाल लेंगे। देखिए हल्का सा इसे फ्राई करना है। हमें बीच बीच में इस तरह चम्मच को साफ करना है वरना हमारी बूंदी अच्छी तरह से बन नहीं पाएगी। फिर से हम इसी तरह से बूंदी डाल लेंगे। हम इस तरह सारी बूंदी को बनाकर फ्राई कर सारी बूंदी बनाकर रख लेंगे। हमारी बूंदी देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे चाशनी में मिला रही हूँ। इसे पूरी तरह से इस तरह मिलाना है। यहाँ पर मैंने घी लिया है, इसमें अभी मैं काजू को फ्राई कर रही हूँ। इसे भी हम इसके साथ मिला देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इस तरह लड्डू बनाते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए कितने प्यारे लड्डू बन गए। इस तरह सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।